हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी इस मौसम में हमको बहुत पसंद होती है और हम बहुत खाते हैं, पर आपको पता है कि मार्केट में जो मसाले मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं पाव भाजी मसाला घर पर ही पाव बना। भाजी मसाले के लिए सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर 5 तेज पत्ता, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 दालचीनी स्टिक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 स्टार फुल। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। ये है 1 जायफल, यहाँ पर हमने 3 बड़ी इलायची ली है, इसका हम छिलका हटा देंगे, और यहाँ पर हमने 8 से 10 मिर्ची, खड़ी जो सूखी मिर्ची है वो ली है हमने। उसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 3 टेबल स्पून, ये है खड़ा धनिया जो आपको मार्केट में आसानी से मिलेगा, ये भी इसमें मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर जीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 10 से 15 लौंग, हमने लिया है आधी छोटी चम्मच अजवाइन का, ये भी इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच, लिया है हमने ये मेथी दाना। अब ये सारी चीजें हम डाल देंगे। उसके बाद हम अब अभी हमने गैस नहीं जलाई है, चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। हम इनको सिम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अभी बारिश का मौसम है तो हमारे सारे मसाले सीले हुए होंगे, इसलिए हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब हमने पैन को गैस पर रख दिया है और गैस की आंच को हमने जला दिया है। अब हम इसको इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे, तो जब तक कि इसमें से खुशबू ना निकलने लग जाए तब तक हम इनको रोस्ट करेंगे। तो ये पाव भाजी मसाला बहुत ही घर का बना हुआ मसाले तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी हाइजीन भी बहुत होते हैं और हमें पता होता है कि हम घर के मसालों में क्या डाल रहे हैं। मैं तेज पत्ते को सीजर से कट कर लूँगी ताकि भूनने में हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बारीक हो गए हैं तो आसानी से भुन जाएंगे। हमने जो ये दालचीनी डाली है, दालचीनी की स्टिक, इसको भी हम तोड़ लेंगे ताकि अच्छी तरह से भुन जाएगी। अब हम इसमें ये जायफल भी तोड़ के डाल देंगे, जायफल भी हमने तोड़ दिया है। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक इसकी खुशबू ना आए तब तक हमें इसे भूनना है, क्योंकि बारिश है तो बारिश में मसाले थोड़े सिल जाते हैं, तो इनको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। पाव भाजी मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और आपको चटकने में आवाज़ आने लग गई है, तो गैस मैंने इस स्टेज पे बंद कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गर्म है, तो 3 टेबल स्पून मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी और इसको भी भून लूंगी क्योंकि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है। अब हम इसको गैस पे से उतार लेंगे और एक दूसरी प्लेट में खाली कर देंगे, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। जब मैं मसाले रोस्ट कर रही थी तभी इतनी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं, बाहर पार्सल वाला आया है, वो पूछ रहा है कि अंदर क्या बन रहा है, उनकी पाव भाजी का मसाला बन रहा है, तो बहुत खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है, इतनी ही खुशबू आ रही है इसमें। तो चलिए अब हम रेसिपी पे चलते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच सौंठ पाउडर, ये आपको मैंने, अगर आपके पास सौंठ है तो आप सौंठ डाल सकते हैं, मैं हमेशा सौंठ को अदरक को पीस कर रखती हूँ, तो ये मैंने डाला है सौंठ पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी, नमक, काला नमक और ये हींग डाली है मैंने, तो हल्दी, नॉर्मल नमक, काला नमक और हींग डाली है, अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच टाटरी, ये आपको पसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी, इससे बहुत अच्छा मसाला हमारा खराब नहीं होता है, तो ये डालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिलती है आप मार्केट से ले लेना, आपको आराम से मिल जाएगी, नहीं तो आप अमेजोन पे भी मंगा सकते हैं, वहाँ पर तो हर चीज़ अवेलेबल है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, तो ये मेरा होममेड अमचूर पाउडर है, इसमें छोटी सी 3 चम्मच डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जब ये ठंडा होगा तो हम इसको पीस कर तैयार करेंगे।
अभी हमने सिर्फ रोस्ट करा है तो ही इतनी खुशबू आ रही है, तो जब हम पीस कर इसकी पाव भाजी बनाएंगे तो कितनी बढ़िया खुशबू आएगी। तो अभी हम इसको बिल्कुल ठंडा करके ही हम पीसेंगे मिक्सर के छोटे वाले जार में। आपको पीसना है और रुक रुक कर पीसना है, बिल्कुल तेज आपको नहीं पीसना है, नहीं तो इसमें से सारी खुशबू गायब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बस कुछ टिप और ट्रिक्स को ध्यान करके ही हम इतना अच्छा पाव भाजी मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमारा मसाला ठंडा हो चुका है तो मैं मिक्सर के जार में डालकर ये मसाला पीस लूँगी। तो मैं आधा आधा मसाला पीसूँगी दो बार करके, क्योंकि मसाला ज़्यादा है। हमारे यहाँ देखिए कितना सारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब यही मसाला हम मार्केट से लेने जाएंगे तो कितना महंगा मिलता है। 100 ग्राम मसाला ही हमें 125-150 रुपये का मिलता है, तो ये कितना सारा मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी पाव भाजी के मसाले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट आप भी बनाकर देखना और कमेंट करके बताना कि पाव भाजी मसाला कैसा बनकर तैयार हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।